हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लव एंड पीस। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ DIY नाइट क्रीम, और ये आपके स्किन के लिए इफेक्टिव और नेचुरल है। तो सबसे पहले हम इसकी बेनिफिट्स जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स हम लोगों ने ऐड किया है वो है ऑरेंज जेल। तो ऑरेंज जेल हमारे डार्क स्पॉट्स एंड ब्लेमिशेस को क्लियर करता है। इसमें सिट्रिक एसिड होते हैं जिससे ये एक्ने को ड्राई करता है और जो फ्यूचर में एक्ने को आने से भी रोकता है। और इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जिससे ये स्किन के टेक्सचर एंड कलर को इम्प्रूव करता है। और दूसरा इंग्रेडिएंट्स जो हम लोगों ने ऐड किया वो है एलोवेरा जेल। तो इसमें कूलिंग प्रॉपर्टीज एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जिससे ये स्किन में सनबर्न को सूट करता है, मॉइस्चराइज करता है स्किन को। इसमें विटामिन सी एंड ई होती है जिससे ये स्किन एजिंग का काम करता है। थर्ड इंग्रेडिएंट्स है कैस्टर ऑयल। तो आप सभी लोग जानते हैं कैस्टर ऑयल की कितनी बेनिफिट्स है हमारे स्किन में। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है जो रिंकल और फाइन लाइंस को क्लियर करता है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो क्लॉग करता है पोर्स को, एक्ने को भी क्लियर करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे आंख के नीचे स्वेलिंग और पफिनेस होती है उसे भी क्लियर करता है, मॉइस्चराइजिंग करता है स्किन को। और फोर्थ और लास्ट इंग्रेडिएंट्स है विटामिन ई। तो आप सभी को मालूम है विटामिन ई के कितने फायदे हैं हमारे स्किन के लिए। ये तो हो गए बेनिफिट्स। तो अब हम चलिए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ गुड वाइब्स का ऑरेंज जेल, और यह पतंजलि का एलोवेरा जेल, और ये है एरोमा मैजिक का कैस्टर ऑयल, और ये है विटामिन ई। तो अब हमें चाहिए एक टाइट कंटेनर जिसमें हम नाइट क्रीम को बनाएंगे। इस तरीके का कोई भी हो आप ले लें। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑरेंज जेल, और हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून एलोवेरा जेल। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद विटामिन ई, सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे, कोई भी मेकअप ब्रश वगैरह से आप मिक्स कर सकते हैं। तो इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये एक क्रीमी सा टेक्सचर इसका नहीं बन जाए, और मिक्स करेंगे तो इसका कलर जो है चेंज होने लगेगा। ये व्हाइट कलर का हो गया है, देख सकते हैं। तो ये हमारा नाइट क्रीम रेडी है। तो ये देख सकते हैं कितना क्रीमी सा है इसका टेक्सचर। अब हम इसे हैंड पे भी अपने लगा के दिखा रहे हैं, तो ये देख सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा लेके आप लगा के और मसाज करेंगे तो ये अब्जॉर्ब हो जाएगा। इसे आप डेली यूज कर सकते हैं नाइट में सिंपल CTM रूटीन के बाद। इसे आप अप्लाई करें फेस पे, अगर सीरम यूज करते हो तो सीरम, उसके बाद ये अप्लाई करके सो जाएं। और इसे आप स्टोर कर सकते हैं जब तक ये खत्म नहीं होता, तब तक ये खराब नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जो हमारा स्किन है वो खुद को रिपेयर करता है नाइट में। तो अगर हम इसे अच्छा सा नरिशमेंट देंगे तो उसके साथ और भी अच्छे से रिपेयर करेगा खुद को। तो हमारा जो स्किन है ग्लोइंग क्लियर एंड स्पॉटलेस दिखेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये नाइट क्रीम पसंद आया हो। तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।